नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बस्ती के सदर कोतवाली के मड़वा नगर टोल पर मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा में चूक दिखाई दी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा घेरे को तोड़ काफिले में एक्सयूवी गाड़ी घुसी है और वहीं टोल प्लाजा पर मंत्री की गाड़ी असंतुलित हुई है। टोल कर्मियों की सूझबूझ से टोल प्लाजा के बैरियर से टकराने से मंत्री की गाड़ी बची है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। वहीं मंत्री ने सीओ को घटना के अवगत कराकर जांच का निर्देश दिया है। बिजनौर के किरतपुर में 13 नवंबर को IBFA की ओर से ही एक बॉडी शो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और यूपी स्तर के ही बॉडी बिल्डर अपनी कला का प्रदर्शन कर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। और इस बॉडी शो चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और जिसमें यूपी के साथ साथ उनके स्टार फिटनेस जिम की टीम से ही 10 प्रतिभागी बॉडी शो चैंपियनशिप में ही भाग लेंगे। मोहम्मद इमरान अंसारी द्वारा अपने जिम पर इस युवा टीम को जोरदार तैयारियां कराई जा रही हैं। उनकी टीम के प्रतिभागियों द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। ये 13 नवंबर को किरतपुर में होने वाली एक बड़ी चैंपियनशिप है जो ऑल यूपी चैंपियनशिप है। इसके ऑर्गेनाइजर ओलंपिया क्लासिक के डायरेक्टर मिस्टर मोहम्मद अकबर जो IBF के कोषाध्यक्ष है और इसकी तैयारी बहुत जोरों से चल रही है। बिजनौर ज़िले में सभी के जिमों में काफ़ी लड़के हो रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। हमारे जिम में एकता फिटनेस में भी 10 लड़के तैयार हो रहे हैं और मेरे जिम में फिट होने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं जो फिट होते हैं अपनी चीज़ों अपने बॉडी को सही करने के लिए मेरे यहाँ आते हैं। तो मैं उन्हें फिट करता हूँ और मेंटेन डाइट बताता हूँ जिससे मैं प्रोटीन की मात्रा काफ़ी वेट के हिसाब से प्रोटीन की मात्रा दी जाती है, सबको डाइट मेंटेन कराता हूं। पौड़ी के जनपद के नए जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। डीएम ने जिला कोषागार पौड़ी में जाकर डबल लॉक में ही मौजूद महत्वपूर्ण वित्तीय और भौतिक सामग्री का निरीक्षण करते हुए प्रभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं पूरी की हैं और जिलाधिकारी ने जनपद पौड़ी में जो बड़ी योजनाएं हैं या लंबित पड़ी योजनाएं हैं उन्हें पूर्ण करने का काम किया जाएगा जिससे जनहित में लाभ हो सके। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए विकास कार्यों को लेकर भी समीक्षा की है और जनपद पौड़ी में पर्यटन को बढ़ाने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए योजनाएँ तैयार की जाएंगी ताकि स्थानीय लोगों को यहीं पर रोजगार मिल सके। मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी जितने हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या जिनसे हमारा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है उन सारे प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट करें क्योंकि टाइमलाइन और जो प्रोसीजरल डिले होते हैं उन्हें कर्टेल करने की मैं कोशिश करूंगा। सेकेंडली ग्रास रूट लेवल के जो चेंजेस होते हैं वो लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे कई बार ये होता है कि कुछ लोगों के आधार कार्ड नहीं बने होते हैं जो कि सबसे मोस्ट सूटेबल लोग होते हैं, तो उस तरीके के इश्यूज़ भी मुझे मेरे अभी तक के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में कई सारी जो चीज़ें मिली उनसे लीड मिलती है इस तरीके के कामों को करवाने में। तो आल मेरे लिए पब्लिक सेक्टर ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगी। सर ये सोमवार को देहरादून से हल्द्वानी जा रहे एक हेलीकॉप्टर की बिजनौर के हल्फजगढ़ में ही इलाके में आपातकालीन लैंडिंग की गई है और क्षेत्र के ग्राम भिकवा वाला के ही पास पवन हंस कंपनी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की गई है। हेलीकॉप्टर देहरादून से हल्द्वानी की ओर जा रहा था जिसे पायलट कैप्टन राजकुमार यादव चला रहे थे। दूसरे से पायलट कैप्टन रत्नेश सिंह और एक पैसेंजर अरुण कुमार सिंह ब्यूरो ऑफ सिविल डिफेंस डायरेक्टर देहरादून थे और ये तीनों लोग हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। तभी रेड सिग्नल मिलने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग अफजलगढ़ में थाना क्षेत्र के गांव भिक्का वाला मार्ग मीरापुर मोदी वाला चौराहे से करीब 4 किलोमीटर आगे नागेंद्र सिंह निवासी ग्राम मीरापुर मोदी वाला के खाली खेत में की गई है। हेलीकॉप्टर में खाई तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए सोमवार देर शाम को ही इंजीनियरों की एक टीम मौके पर पहुंच गई थी जो मंगलवार को इसको ठीक करने में जुट गई है।
जो देहरादून से हल्द्वानी जा रहा था और हमारे हेलीकॉप्टर में एक वार्निंग लाइट आई जो एक तरह की एक आपातकालीन स्थिति है, तो इसमें हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के एक्शन को फॉलो करते हुए हमने यहाँ ओपन ग्राउंड को सेलेक्ट किया और सेफली जहाज़ को उतारा। और हमारे साथ एक पैसेंजर हैं जो इंसिडेंटली DGCA के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये भी आपको बताएंगे कि जहाज़ एकदम सुरक्षित उतरा है, जहाज़ और सारे इसके ऑक्यूपेंट्स एकदम सेफ एंड साउंड हैं। और तुरंत ही मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ आ गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से पुलिस व्यवस्था तुरंत उपलब्ध हो गई और हमारे यहाँ के नागरिक जो हैं, जो इस खेत के मालिक हैं, उन्होंने तुरंत सूचना दी और पुलिस तुरंत मुस्तैदी से आ गई, क्राउड को कंट्रोल किया उन्होंने बहुत अच्छे से। और जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के आलमपुर मोहल्ले में फ्री सामान न देने पर दबंगों का दुकानदार पर हमला कर दिया है और दुकान के पैसे मांगने को लेकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी भी चले हैं। आधा दर्जन दबंगों ने दहशत कायम करने के लिए हवाई फायरिंग भी की है। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर उरई रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आजकल विकास खंड नारायणगढ़ बग्गड़ के ही पालछुनी गांव में गांव और क्षेत्र की खुशहाली समृद्धि के लिए मां राजेश्वरी भगवती दुर्गा का नवरात्र पर खुशियों के साथ आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालुओं का देवी दर्शनों के लिए भीड़ भी आ रही है। नवरात्र के दौरान पालछुनी गांव से बाजे गाजे के साथ देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों और पशुओं की कई मुद्राओं में ही देव नृत्य कर भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद दिए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मनोतियां पूरी होने पर और मनोतियां मांगने के लिए ही यहां नवरात्र में श्रद्धालु दिन रात भंडारों का आयोजन कर रहे हैं। संगीत और भजन कीर्तन संध्या का भी इस अवसर पर आयोजन किया जा रहा है और इससे गांव में आजकल पूरा वातावरण देवमय बना हुआ है। रिश्तेदारों और बेटियों की भीड़ इन दिनों उमड़ी हुई नजर आ रही है, तो वहीं पालछुनो गाँव वाले भी मेहमान नवाजी में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें आपको कि कोरोना काल में सब सकुशल संपन्न रहने के उपरांत ये नवरात्र का त्यौहार खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। सर, ये विगत हमारी एक संस्कृति है और काफ़ी सालों से चलती आ रही है और ये हमारी एक परंपरा है जो एक हमारी संस्कृति को बचाने का एक जरिया भी है और हमारे जो इष्ट देव हैं, ग्रामदेव हैं, उनको एक आस्था का प्रतीक भी है। और सबसे पहले आपने एक कोरोना काल में जिस प्रकार की एक महामारी फैली थी, उससे हमारे ग्राम इष्ट देव ने हमारी रक्षा की थी। तो नवरात्र के दौरान पालछुनी गांव से गाजे बाजे के साथ देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों और पशुओं के कई मुद्राओं में ही देव नृत्यों का भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद दिया जाता है और जो मनोकामना होती है वो भी पूरी होती है। नाच गाने के साथ नवरात्र पर ये अवसर जो आता है इसको खुशियों के साथ मनाया जाता है। इसमें महिलाएँ नृत्य करती हैं और इसके साथ ही जो बेटियां हैं वो भी यहां पर पहुंचती हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारी संख्या में ही यहां पर भीड़ भी देखने को मिलती है, दूर दूर से यहां पर श्रद्धालु आते हैं और इसी के साथ ही माँ से अपनी मनोकामना मानते हैं, नाचते गाते हैं और इसके साथ ही आपको बता दें एक दूसरे से भेंट भी करते हैं। पालछुनी गाँव में ये नवरात्र अनोखे ढंग से मनाया जाता है, जहाँ पर चुनरी भी उड़ाई जाती है और आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का लिया जाता है। नारियल चुनरी के साथ माता रानी को खुश करने की, यहाँ पर मनोकामना पूर्ण करने की एक रीति रिवाज माना जाता है, जहाँ पर चुनरी चढ़ाते हैं एक दूसरे को और इसके साथ ही नृत्य भी करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।